आ रही हूँ मम्मी। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अदीना नूर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी सहरी का वक्त हो चुका है, सब उठ गए हैं एंड अब हम सहरी करेंगे हमारे पहले रोज़े की। चलो मम्मी बुला रहे हैं वैसे भी मुझे, चलो आज मैं सहरी करने है। चुकी है फ्रेंड्स हम सब की सहरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एकदम अच्छे से एंड फिर सब अभी फजर की नमाज अदा करेंगे, रोज़े की नियत करेंगे एंड आखिरी ऐलान तक सब पानी पिएंगे। एकदम रहता है ना कि बस ऐलान होता है 5 मिनट बाकी है सहरी का वक्त ख़त्म होने में, तो आज मेरे में पानी पियेंगे 3 से 4 गिलास, फिर उसके बाद सहरी का वक्त ख़त्म होता है तो उसके 1 मिनट पहले 1 गिलास और, फिर सुकून आता, हाँ हमने पानी पी लिए अब हमें दिन भर प्यास नहीं लगेगी। और पापा हमें बोलते कि क्या है 1 गिलास पी लो, हो जाता है, सब कुछ नहीं है, बट नहीं हम लोग को मज़ा भी आता है। और अच्छा है पानी की बॉडी में कमी नहीं होती है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है। अच्छा सो ये बात है तो एक साइड में, एंड अब ना हमने फजर की नमाज़ पढ़ना है, उसके बाद इबादत करना है एंड फिर रोज़े की नियत करके रोज़ा रख लेना है एंड सुबह जल्दी उठ के इबादत ही करना है। जोहर की नमाज़, असर की नमाज़, इफ्तारी, फिर मगरिब की नमाज़, फिर इशा की नमाज़, फिर तरावी। हाँ रोज़ा रखना चाहिए बट उसके साथ साथ ना हमें इबादत भी करना चाहिए, जैसे नमाज़ पढ़ना चाहिए, कुरान शरीफ़ की तिलावत करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और ऐसी बहुत सारे अच्छे काम करना चाहिए। जैसे कि मैं अपने हर ब्लॉग के एंड में बोलती हूँ कि बी हैप्पी, बी हेल्पफुल, बी ऑनेस्ट, हमेशा खुश रहिए, सबकी मदद करिए एंड हमेशा सच बोलिए। सो फ्रेंड्स ये 3 काम आप सबको रमज़ान में तो स्पेशली करना है, वैसे टाइम तो करना ही है बट स्पेशली एकदम करना है रमज़ान में। सो अब टाइम हो गया है, अब फजर का जस्ट होने ही वाला है, सब नमाज अदा करेंगे और मैं आप सबसे मिलती हूँ सुबह। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सभी को रमज़ान 2022 का पहला रोज़ा बहुत 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 मुबारक हो एंड आज फर्स्ट रोज़ा है तो खुशी भी बहुत ज़्यादा है कि मस्त 30 दिन यानी पूरे 1 महीने अब रोज़े रोज़े, इफ्तारी इफ्तारी, टेस्टी टेस्टी। और अभी सबकी नमाज़ भी अदा हो चुकी है जोहर की और अभी ना मम्मी ना इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं और इफ्तारी में जो बना रहे हैं ना वो ना मुझे बहुत पसंद है। मैं हर बार पहला रोज़ा और 30th रोज़े को वही बनाने लगाती हूँ। चलिए बताती हूँ आप सबको क्या डिश है वो। यस दिस ढोकला इज़ रेडी, जो कि बनाए हैं मम्मी ने ऑफ कोर्स एंड अभी हमारी प्लेट्स भी मम्मी रेडी कर रहे हैं, इसमें मस्त डेकोरेशन कर रहे हैं चटनी से एंड मेरी इमली की चटनी से भी करेंगे अभी मम्मी। ये देखिए इसमें भी इमली की चटनी डाले। अब मैं ये देख के आती हूँ नीचे, सबको इफ्तार बांटने जाना है मुझे। सो फ्रेंड्स अब मैं जाती हूँ नीचे, सबको मम्मी के हाथ का ढोकला दे के आती हूँ, स्पेशली दादी अम्मी को तो बहुत पसंद है, दादी अम्मी एंड चाची को मम्मी के हाथ का ढोकला। चलो दे के आते हैं। हाँ इधर दस्ता लग रहा है। वालेकुम अस्सलाम। चांद मुबारक नहीं, अब रमज़ान मुबारक हो, बोलो बोलो पहला रोज़ा मुबारक हो। हाँ थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। आमीन। अल्लाह हमारे हमारे मर्द और औरतों को नमाज का पाबंद बना दे। आमीन। अच्छा दीदी अब मैं जल्दी से दस्तर लगाती हूँ क्योंकि इफ्तार का टाइम होने वाला है, दुआ भी करना है। चलो जल्दी से अब दस्तर लगाते जाती हूँ और फिर इसके बाद हम इफ्तारी करेंगे। मैं नेबर्स के अभी देखे आ गई हूँ इफ्तारी एंड अब टाइम होने वाला है, सब हम बैठते हैं दुआ करने के लिए, सब दुआ करेंगे फिर उसके बाद इफ्तार करेंगे, है ना मम्मी। चलो मैं आप सबको आज का दस्तर दिखाती हूँ एंड ये है हमारा आज का पहले रोज़े का दस्तर। मम्मी ना जब से कुछ ना कुछ जुटा ही ले रहे हैं, मैं लेने कर रही हूँ तो। अच्छा मेरी इमली की चटनी डाल रहे हो। अच्छा अभी पापा और लाएंगे समोसे कबाब भजिए तो वो भी आ जाएंगे दस्तर पे। अच्छा इसमें नमक डालो हल्का जी। अच्छा
शाकिब भाई आए, रईस आंटी ने उनके उनसे इफ्तार भेजे हमारे लिए। हो चुके फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छे से इफ्तारी, एंड आज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, पोहा, ढोकला, दही बड़े। रईस आंटी ने दही बड़े भेजे थे इफ्तार में शाकिब भाई से, एंड आज उनने भी हमारे साथ इफ्तार करे। और पापा ने भी बाहर से अच्छे सामान लाए थे, समोसे, कबाब, बहुत अच्छा लगा। एंड अब आज में भी आ गए, पापा भी अब आते ही होंगे मस्जिद से नमाज़ पढ़ के। फिर इनके लिए बनाना है चाय, जो कि मैं बनाऊँगी। देखिए इतनी सारी ठंडी ठंडी ही अच्छी अच्छी कलर्स की पेप्सीज, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, ब्लू, ब्लैक, एंड सबसे अच्छा टेस्ट इसका है पिंक वाली का। और मम्मी पापा जैसे इफ्तारी के बाद चाय पीते हैं, तो मैं और आजमिन भाई पेप्सी इंजॉय करते हैं बचपन से। सो बस अब इफ्तारी के बाद रोज़ ऐसी पेप्सीज इंजॉय करेंगे हम। सो इसमें सिर्फ हाफ आजमिन भाई की उनको दे देती हूँ और बाकी मेरी इतनी सारी। ये फ्रेंड्स रात सारी पेप्सीज एकदम अच्छे से इंजॉय करने के बाद मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी, क्योंकि कल है मेरा इंग्लिश का फाइनल एग्ज़ाम। अभी कुछ दिनों से ऐसे सिंपल सिंपल एग्ज़ाम्स थे, यानी ड्राइंग, कंप्यूटर, वेल एजुकेशन, जीके, तो उसको उतना टेंशन नहीं था। बट कल से थोड़े टेंशन फुल वाले एग्ज़ाम्स होने वाले, जैसे इंग्लिश, मराठी, मैथ्स, साइंस। सो आप सब बस दुआ करिएगा कि इस बार मेरे एग्ज़ाम में मैं टॉप आऊँ इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो चुकी है। एंड आप सब बोलेंगे व्लॉगिंग के साथ साथ एग्ज़ाम्स, वो भी फाइनल एग्ज़ाम्स, एंड रमज़ान भी, रोज़े भी, सो कैसे। सो फ्रेंड्स रही बात एग्ज़ाम्स की, तो उसकी तैयारी मेरी प्रिपरेशन पहले से हो चुकी थी, अभी जस्ट मुझे रिवाइज़ करना है एंड जाके पेपर देना है, एंड इंशाल्लाह ज़रूर टॉप करूँगी इस बार मैं। एंड आप सब प्लीज़ दुआ करिएगा एंड कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर ऑल द बेस्ट बोलिएगा। बात रमज़ान की, तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम आप सबके साथ अपने व्लॉग्स में रमज़ान शरीफ, इतना प्यारा महीना, शेयर करने वाली हूँ। सो ये कैसे मिस कर सकती हूँ मैं, वो भी एग्ज़ाम्स की वजह से, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसलिए मैं सब मैनेज कर रही हूँ, एक साइड एग्ज़ाम्स, एक साइड व्लॉगिंग और एक साइड रमज़ान, ठीक है। सो आप सब ऑल द बेस्ट मुझे ज़रूर बोलिएगा। अब टाइम आ गया है कि मैं व्लॉग का एंड कर दूँ, क्योंकि अब मुझे जल्दी से सोना है, फिर सहरी में उठना है, सहरी से जागना है, क्योंकि देखिए सहरी का टाइम होता है, फिर उसके बाद फजर का टाइम होता है, फिर उसके बाद मेरे स्कूल का जल्दी से टाइम हो जाता है सिर्फ हाफ एन आवर के बाद। सो हाफ एन आवर मुझे एक्स्ट्रा जागना पड़ता है, फिर उसके बाद स्कूल, एंड स्कूल से आए बाद ऐसी थक जाती हूँ मैं कि मुझ में हिम्मत नहीं होती ज़रा भी कि मैं व्लॉग शूट करूँ। जैसे मैं कल देखती हूँ, कोशिश करूँगी कि मैं करूँ। सो अभी की फ़िलहाल ये व्लॉग आई होप आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सकता आगे से आगे बढ़ाइएगा। और जिस भी हैप्पी, बी हेल्पफुल, बी ऑनेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, बाय। इंशाल्लाह ताला आप सबसे जल्द मिलेंगी, एंड मैं सहरी में अपना न्यू व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। सो ये व्लॉग को ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ताला जल्द मिलेंगे कामयाब वीडियो के साथ। खुश रहिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए।